बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मदीना एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज मैं आपको यूट्यूब के रिलेटेड ऐसे हकायक बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप यकीनन यूट्यूब पर चैनल बनाने के लिए बेताब हो जाएंगे। मुझे पता है कि हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो मैट्रिक के पेपर दे चुके हैं और कुछ फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी पेपर दे चुके हैं और इसी तरह नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स भी पेपर दे रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा, बहुत सी फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। और हर बच्चे की, हर वालदैन की कोशिश होती है कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ अर्न करें, और ये अब ज़रूरत भी बन चुकी है। तो आज पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए हमने कुछ चैनल को सिलेक्ट किया है, जिन चैनल्स की अर्निंग को हमने देखा है और उन्होंने कितने अर्निंग पर मंथ वो कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। फिर इंशाल्लाह ये एक पूरी सीरीज़ चलने वाली है जिसमें हम पूरा YouTube का कोर्स जो है आपको हम गाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, बेल, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि वो अपनी सलाहियतों को, जो भी उसमें सलाहियत है, वो अपनी सलाहियत को यूट्यूब पर आकर दिखाए, अपलोड करें वीडियोस को और वहां से अर्न करें। चाहे वो मेल है या फीमेल है, फीमेल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है कि आप वॉइस ओवर पे काम कर सकते हैं, यानी कि कुछ मसला होता है कि फेस नहीं लेके आना या ऐसा कुछ, तो आप वॉइस ओवर पे काम कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा फीमेल्स कुकिंग के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मेल में बहुत सी हमारे पास हैं कि उनमें कोई राइटिंग की स्किल है, उनमें कोई स्पीकिंग की स्किल है, जो भी उनकी स्किल्स हैं तो वो उस स्किल्स के मुतालिक वो अपना चैनल बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप किन किन टॉपिक्स पर चैनल बनाएं, चैनल किस तरह बनाना है। सारी की सारी यूट्यूब के रिलेटेड हम आपको वीडियोस, ट्रेनिंग हम आपको देंगे। इंशाल्लाह डेली वेजेस पर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये सारे के सारे पेड कोर्सेज होते हैं जो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि आप सब स्टूडेंट हैं और हम भी इसी लाइफ से गुजर के आए हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा अर्न करें और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो हो। तो ये सबसे पहले हमने जो चैनल सेलेक्ट किया है ये है पी फॉर पकाओ। तो ये नादर अली एक हमारा पाकिस्तानी है, वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, तो आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सोशल ब्लेड, आप इसको गूगल पर जाके लिखें सोशल ब्लेड, तो उसको वहाँ पर आप किसी भी चैनल का लिंक डालें तो वो चैनल की सारी करेक्टरिस्टिक्स डाल सकता है। यहाँ देखिए कि इसके 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर है, और असल चीज़ होती है कॉन्टेंट की, तो इसका कॉन्टेंट बड़ा देखा जाने वाला कंटेंट है। और इसकी अर्निंग आप देख लें कि एस्टीमेटेड इसकी अर्निंग जो है पर मंथ 4.9K से 78.8K के मीन 1000, यानी कि इसके दरमियान इसकी अर्निंग रहती है। याद रहे कि अगर आपके पास $1000 हो, अब के पाकिस्तानी वो 1,60,000 के करीब पैसे बनते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फ़र्ज करें ये मंथली $10,000 या $20,000 कमा रहा है, तो यहाँ देखें 78,000 के करीब डॉलर की एवरेज है इसकी, तो आप खुद देख लें कि ये कितनी अर्निंग कर रहा होगा। तो ये पहला चैनल है। इसके बाद दूसरा, ये देखें फीमेल्स के लिए किचन विद आमना, तो आप इसके सब्सक्राइबर चेक कर लें, 4.7 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं और इसकी अर्निंग देख लें 1.5 से 24.5। आप एवरेज इसके भी 10,000 लगा लें पर मंथ, तो $10,000, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 16 लाख रुपए इसका पर मंथ बन रहा है। तो इतनी अर्निंग ये सिर्फ और सिर्फ
मामूली सी स्ट्रगल नहीं है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। तो लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए यूट्यूब में, और इसके अलावा आपका कंटेंट आपका अपना जाती होना चाहिए, आप उस पर मेहनत करें और यकीन करें कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको किसी की के पास जाके 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करना, टाइम वहाँ पे भी आपने लगाना, फिर वो चांसेस होते हैं कि भाई पसंद आए काम ना आए, लेकिन यहाँ ये यह कि आपका अपना चैनल है, जब मर्जी आप काम करें और स्किल्स अपनी दिखाएं। खाना आप बनाते हैं घर में, उसकी वीडियोस बनाएं, थोड़ा सा एडिट करने का तरीका हम बताएंगे, थंबनेल कैसे लगाने हैं, अपलोड कैसे करनी है, सब कुछ इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट ये रोहेल वाइस है, तो ऐसी फीमेल्स जो हैं या मेल्स जो चाहते हैं कि हमारा फेस सामने ना आए तो वो ये वॉइस ओवर कर सकते हैं। इस बंदे के आप मिलियंस 3.16 मिलियंस इसके व्यू हैं, और इसको अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये 41 नंबर पर रैंक आ रहा है। तो इसकी जो सैलरी एस्टिमेटेड 2K यानी $2,000 से $32,000 के दरमियान पर मंथ है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी अर्निंग करता होगा पर मंथ के हिसाब से। तो ये वॉइस ओवर का है कि इसने मुख्तलिफ तरह की मॉरल लेसन्स हैं, मॉरल स्टोरीज हैं, तो ये क्या करता है उन स्टोरीज पे वर्क करता है। इसकी कंटेंट बड़ा आला होता है, वॉइस है इसकी, तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। आप खुद देख लें इसके सब्सक्राइबर कितने हैं। नेक्स्ट ये बंदा तो आप बहुत से लोग इससे वाकिफ होंगे, तो देखें हमारे पास ये बंदा जो है विलेज फूड सीक्रेट वाला मुबशर सदीक, इसका नाम है, सब्सक्राइबर 3.2 है, इसकी अर्निंग चेक कर लें तो ये मेरे ख्याल में आज के जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं 20वें 22वें स्केल का बंदा, इसके तो करीब करीब नहीं आता। $5,000 से $82,000-$83,000 के दरमियान इसकी इनकम है, और अगर आप एवरेज भी 50,000 लगाएं तो आप देख लें कि इसकी इनकम कहाँ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ये भी कुकिंग के रिलेटेड है, लेकिन इसमें यह होता है कि इसका फेस भी आ रहा है, ये बकायदा आप लोगों ने बहुत फेसबुक पर इनकी वीडियोस भी देखी होंगी। तो ये जो है ये वो चैनल्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए, इसके अलावा और बहुत से चैनल्स हैं जो लोग 2016, 17, 18 से 18 के बाद 19 या 1 साल में 1.5 साल में वर्किंग के बाद 3 माह 4 माह की वर्किंग के बाद ग्रूम किया है। तो इसमें आपकी मेहनत है, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हकीकत टीवी है, ये भी वॉइस ओवर है, देखें इसका कि 8.7 यानी कि $8,700 से लेकर $139,000 तक इसकी इनकम है। 3.76 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, तो आप खुद देख लें कितनी 38 नंबर पे हैं पाकिस्तान में ओवरऑल। तो ये एक बड़ा हैवी चैनल है, और ये 2018 के बाद ग्रूम की है। असल क्या है कि ये देखें इसकी यूज़र क्रेडिट जो है, तो आप ये क्रिएटेड है 2017 का, तो ये 2018 के बाद कंटिन्यूस वर्क है, डेली में एक वीडियो दो वीडियो, तो आपको हम सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। अब इस कोर्स में होगा क्या जो हम आपको ऑफर करने वाले हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, ये हमारा मोटो है, और हमारी ये कोशिश होगी कि तमाम स्टूडेंट्स किसी भी एज के हैं और किसी भी क्लास के हैं, स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, वो हमारे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो असेस उनको होगी। तो आपको अगर ये कोर्स पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला तो ये मैंने बता दिया कि वाई यूट्यूब, तो ये मैंने कुछ मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए मैंने कुछ चैनल सेलेक्ट किए थे, आप इनको जाके सोशल ब्लेड पर आराम से कौन से देख सकते हैं। दूसरा हम आपको बताएंगे कौन से टॉपिक पे आप काम करें, फिर वीडियो प्रोडक्शन आपने कैसे करनी है, फिर यूट्यूब SEO, SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने वो काम जो किसी से आपने करवाना है, वीडियो को अपलोड करना, वीडियो को एडिट करना, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। फिर मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसी तकनीक्स आप इस्तेमाल करें, चैनल को कैसे ग्रो करना है, वॉइस ओवर की तकनीक्स है, इसके अलावा बहुत सी, आपने थंबनेल कैसे बनाना है, इफ़ेक्टिव थंबनेल कैसे बनाना है, और फोटोशॉप का हम आपको बताएंगे, इन पेज को आपने कैसे यूज़ करना है थंबनेल के लिए, और इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है कैनवा, तो उसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी वीडियोज़ हम कंटिन्यूसली अब इंशाल्लाह डेली वेजेस पर आपके लिए बनाएंगे।
तो आपको अगर ये हमारा कोर्स पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इंशाल्लाह हम इसके रिलेटेड एक चैनल क्रिएट करके दिखाएंगे कल आपको, तो उस चैनल को फिर आप सब्सक्राइब कर लें, तो फिर नेक्स्ट जो है सारा हम उसी चैनल पर हम वर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन ज़रिया मुआश दे और आप अपने वालदैन के लिए बेहतरीन सहारा बने। और मेरी ये दुआ भी है कि आप जिस भी ज़िंदगी के फील्ड में जाएं, अल्लाह आपको कामयाब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।